कैसे हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से आपको सोशियोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन करवाए जाते हैं। तो अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग यूपी पीजीटी के जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसे यूनिट वाइज तथा टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था भौगोलिक पर्यावरण एवं मानव समाज, तो उसी से रिलेटेड आपका देखिएगा टॉपिक दिया गया है, वो है संस्कृति एवं व्यक्तित्व। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे। और ये क्लास जो है ये थोड़ा लेंथी क्लास होगा, तो एक क्लास में इसको मैं कंप्लीट नहीं कर सकती हूँ, तो इसका दो क्लास आएगा। कल भी आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और कल के क्लास में हम लोग इस टॉपिक को पूरा कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए, तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि संस्कृति एवं व्यक्तित्व आखिर होती क्या है। हम लोग संस्कृति को समझने का कोशिश करेंगे, इसके विभिन्न परिभाषाओं को देखेंगे, उसके बाद संस्कृति की विशेषताओं को देखेंगे, संस्कृति के प्रकार को देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे संस्कृति विलंबना क्या होती है, प्रौद्योगिकी विलंबना क्या होती है, फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है संस्कृति के निर्माण की इकाइयां एवं तत्व। ये जितने भी टॉपिक है मैं आपको आज की क्लास में कवर करवा दूंगी। और कल के क्लास में हम लोग संस्कृति के रूपों के संदर्भ में देखेंगे कि संस्कृति के विभिन्न रूप क्या है, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने संस्कृति के कौन कौन से रूपों के वर्णन के बारे में बताया है उसका हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देखिए संस्कृति एवं व्यक्तित्व, तो संस्कृति क्या होती है? तो संस्कृति जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसे इंग्लिश में कल्चर बोला जाता है। तो संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था टायलर महोदय जी के द्वारा। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में संस्कृति शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। संस्कृति जो है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के कल्चरा से इसे लिया गया है। किससे लिया गया? आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि संस्कृति जो ये शब्द है ये किस भाषा समूह का है, तो ये आपका लैटिन भाषा का है और जिसका कि किसे लिया गया है कल्चरा से, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है विरासत, ठीक है। और क्रोबर महोदय की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी संस्कृति की 108 परिभाषाएं दी है, क्रोबर और क्लूकॉन महोदय जी ने। अब हम लोग देखते हैं कि टॉयलर महोदय ने संस्कृति के संदर्भ में अपना कौन सा उन्होंने अपना पक्ष रखा है। तो उनके अनुसार वो बताते हैं कि जो संस्कृति है वो संपूर्ण जटिलता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं हमारा जो ज्ञान विश्वास कला आधार कानून प्रथाएं ऐसे ही अन्य जितने भी क्षमताएं हैं जो भी आदत का हम लोग समावेश करते हैं वे सभी आदतें क्या है जिसे मनुष्य को क्या करता है समाज का सदस्य होने के नाते हम प्राप्त करते हैं, हम ग्रहण करते हैं। कोई भी चीजें हम जो हमें संस्कृति से प्राप्त होती है, जैसे हमारा रहन सहन हमारा व्यवहार लोगों के साथ हमारा तालमेल हमारा जो अंतःकरण का प्रकृति है इसके अंतर्गत आपके व्यवहार आ जाएंगे, आपकी आदतें आ जाएंगी, आपकी प्रथाएं आ जाती है, तो वो सभी हमें किससे प्राप्त होता है संस्कृति से हमें प्राप्त होता है। और उसके बाद क्रोबर और जो क्लूकॉन महोदय है उन्होंने किसके बारे में बात की है, तो संस्कृति के बारे में, उसमें उन्होंने अपने 108 परिभाषाओं को दिया था। 108 परिभाषाओं का वर्णन करते हुए बताते हैं कि संस्कृति क्या है, ये जो संस्कृति शब्द है ये संसार से बना है, संसार का जिसका शाब्दिक होता है मानव का शुद्धिकरण। किसका हम लोग शुद्धिकरण कर रहे हैं, तो मनुष्य का शुद्धिकरण हो रहा है, किसके माध्यम से, तो संस्कृति के माध्यम से जब वो शुद्धिकरण किया जा रहा है। तो इस शब्द का अर्थ होता है कि संस्कृति जो एक संबंध है, संस्कृति का संबंध उन सभी कृत्यों से है जो व्यक्ति को पुरस्कृत करे जो शुद्ध बनाए। इसमें हमारा रहन सहन आ जाएगा, हमारी भाषाएं आ जाएंगी, विश्वास आ जाएंगे, हमारी विचार पद्धति आ जाएगी, ये समग्र रूप से जो हमें क्या करता है मनुष्य बनाता है, संसार में चलने के लिए ये हमें बनाता है। तो ये कौन करता है, तो ये संस्कृति के माध्यम से ही हम लोग करते हैं। इसी के संदर्भ में और भी विभिन्न समाजशास्त्रियों ने बात की है, तो क्लूकॉन महोदय जी ने जो अपने परिभाषाएं दी है उन्होंने अपने कल्चर के बारे में बताया, तो उनकी इम्पोर्टेंट पुस्तक है इसको आप लोग याद रखिए, एक क्रिटिक रिव्यू ऑफ
कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के संदर्भ में मजूमदार जी ने बताते हैं कि संस्कृति को जीवन जीने का तरीका बताया कि संस्कृति क्या है, ये हमारे जीवन जीने का, हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे ये हमारे कल्चर का ही है कि हमें बताता है। एक और बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री है वीडिस्टेट महोदय, उन्होंने भी कल्चर के संदर्भ में अपनी परिभाषा देते हुए बताया है कि संस्कृति वो संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। संस्कृति को बहुत उन्होंने इम्पोर्टेंट माना है और बताया है कि वे सभी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने जो हमारे रिलेशन है उसके साथ चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि संस्कृति की विभिन्न विशेषताएं कौन है। तो आप यहाँ पे आप देखा आप लोगों ने टायलर महोदय का, क्लोबर एंड क्लूगहोर्न महोदय का, विस्टेड महोदय जी की देखे। एक और थिंक टैंकर हैं बेकायगर एवं पेज जी, वे बताते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो कला, साहित्य, मनोरंजन और रहन सहन के जो तरीके है वे सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो वे सभी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो उसी प्रकार से जो बी राइट जी थे उन्होंने संचयी प्रवृत्ति बताया है, किसको बताया है, तो संस्कृति को उन्होंने संचयी प्रवृत्ति बताया। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि संस्कृति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो संस्कृति जो है ये क्या करता है, मानव निर्मित होती है, ये किसके द्वारा बनाई गई है, तो मनुष्य के द्वारा, और संस्कृति जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। संस्कृति को हम बोल सकते हैं कि ये सीखी जाती है, जो संस्कृति है क्या की जाती है, लर्न की जाती है। प्रत्येक समाज की अपनी कोई एक विशिष्ट संस्कृति होती है, ये भी इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है। संस्कृति जो है ये अधिसावयवी होती है। सिक्स्थ एस्टे गुण की संस्कृति क्या होती है, इससे हमारे जो सामाजिक गुण होते हैं उसमें निहित होते हैं, जिसको कि क्या करते हैं हम लोग सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, और हर एक संस्कृति हर एक समूह के लिए अपना आदर्श रखती है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि मानव आवश्यकताओं की पूर्ति किनके माध्यम से की जाती है, तो संस्कृति के माध्यम से की जाती है। संस्कृति क्या है कि हमें अनुकूलन करने की क्षमता, अनुकूलन अर्थात हो गया कि हम समाज में जो रह रहे, समाज के लोगों के साथ जो हमारा समाजीकरण हो रहा है वो सही प्रकार से हो रहा है कि नहीं, सही ढंग से हो रहा है, तो ये जो अनुकूलन करने की जो क्षमता है ये कौन प्रदान करता है, तो संस्कृति प्रदान करता है। और ये मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक रूप रखती है। मनुष्य का जो सर्वांगीण विकास है ये किसके माध्यम से होता है, संस्कृति के माध्यम से ही होता है, क्योंकि ये संस्कृति हमें समाज में एक सभ्य पुरुष बनाने में हेल्प करती है। अब हम लोग देखते हैं संस्कृति के प्रकार, संस्कृति के प्रकार कौन कौन से। तो आर्बन जी ने दो प्रकार के संस्कृति बताए हैं, पहला तो उन्होंने बात की है भौतिक संस्कृति और सेकंड बात की है अभौतिक संस्कृति। तो आर्बन जी को छोड़कर और भी विभिन्न समाजशास्त्रियों ने भी संस्कृति के प्रकारों का वर्णन किया है। जैसे देखिए आर्बन जी ने जो भौतिक संस्कृति बताई है इसमें वे बताते हैं जो भी मूर्त रूप है जिसको हम लोग देख सकते हैं वे सभी किसके अंतर्गत आ जाएगा, हमारे भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आ जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आर्बन जी कौन है, अमेरिका के बहुत ही विश्व प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं और आर्बन तथा निमकॉफ जी का जोड़ी हमेशा रहता है। तो इन्होंने जो ये प्रकार की बात की है किसमें की है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनकी बुक का नाम क्या था, तो इनकी बुक का नाम था सोशल चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है पीजीटी के लिए भी और आपका यूजीसी नेट के सिलेबस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो भौतिक संस्कृति में क्या आ गया, वे सभी वस्तुएं जो कि मूर्त रूप होती है, जैसे कि मान लीजिए आपका घर हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, उसके बाद आपकी जितने भी उस प्रकार की चीजें भौतिक वस्तुओं की चीजें जैसे वायुयान हो गया, तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आ जाएंगे। वीडिस्ट्रीट महोदय ने भी भौतिक संस्कृति के 13 तरह के प्रकार उन्होंने बताए हैं। वे 13 तरह के प्रकार कौन कौन से हैं, मशीन, उपकरण, बर्तन, भवन, सड़कें, पुल, शिल्प वस्तुएं, कलात्मक वस्तुएं, कपड़े, परिवहन, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ और दवाइयां, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। मिकाइवर पेज जी ने क्या कहा है भौतिक संस्कृति को, तो सभ्यता कहा है कि संस्कृति के भौतिक संस्कृति क्या है, तो ये एक सभ्यता का रूप है। अब हम लोग देखते हैं कि अभौतिक संस्कृति, तो सोरोकिन महोदय ने इसे भावनात्मक संस्कृति भी कहा है। इसमें वे सभी वस्तुएं आती हैं जो कि अमूर्त होती है, जैसे कि मान लीजिए विश्वास, प्रथाएं,
जिसका कि कोई मूर्त रूप नहीं है, लेकिन ये हमारे समाज में विद्यमान है। धर्म हो गया आपका, भाषा हो गया, ये सभी चीजें आ जाएंगी। तो अब हम लोगों ने भौतिक संस्कृति तथा अभौतिक संस्कृति को देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सांस्कृतिक विलंबना। विलंबना का अर्थ होता है पीछे रह जाना। तो किस रूप में हम लोग पीछे रह जा रहे हैं? तो संस्कृति के माध्यम से जो हमारा कल्चरल लैग, इसको इंग्लिश में भी आपको दिया हुआ रह सकता है, इसको बोला जाता है कल्चरल लैग। लैग मतलब होता है पीछे रह जाना। तो क्या हो रहा है, जब किसी समाज में जो भौतिक संस्कृति है वो तेजी से वृद्धि कर रही है। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से आ गए? आपके कपड़े, परिवहन, आपका यातायात, ये सभी चीजें हो गए। इन सभी चीजें में अगर तेजी से परिवर्तन हो रहा है, मान लीजिए कि आप जैसे कृषि कर रहे हैं, तो कृषि के क्षेत्र में जो उपयोग में आने वाले यंत्र साधन है उसमें अगर तेजी से परिवर्तन होता है, तेजी से इसमें वृद्धि होती है। लेकिन अगर आपकी संस्कृति, जो आपकी संस्कृति है वो अगर पिछड़ी रह जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? कल्चरल लैग बोला जाता है। ठीक, आप इस ऐसी प्रकार से समझ गए। नेक्स्ट जो है ये प्रौद्योगिकी विलंबना। किसके क्षेत्र में? तो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। ये बात इनके द्वारा बताई गई है, तो मेकाइवर तथा पेज जी के द्वारा बताई गई है। उन्होंने बताया है संस्कृति में परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन हमारी जो सभ्यता है यानी इसका जो प्रौद्योगिकीय पक्ष है, इसमें अगर उतनी तेजी से बदलाव नहीं होता, उतनी तेजी से परिवर्तन नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकीय विलंबना कहलाता है। आप लोगों को समझ में आ गया? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो हम लोग समझेंगे वो है संस्कृति के निर्माण इकाइयां एवं तत्व। जो ये संस्कृति का निर्माण हो रहा है इसकी विभिन्न इकाइयां क्या है, इसके विभिन्न फैक्ट कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला है संस्कृति तत्व। संस्कृति तत्व ये जो विचारधारा है ये क्लार्क विस्लर जी के द्वारा दी गई है। इन्होंने अपनी पुस्तक मैन एंड कल्चर में इसके बारे में बताया है कि उन्हें बताते हैं कि संस्कृति की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है? सांस्कृतिक तत्व कहलाती है। इसमें उन्होंने बताया है कि जैसे वो संस्कृति के आपके जो आइटम होते हैं, जो कल्चर के संस्कृति, कोई भी छोटा सा छोटा तत्व जैसे प्रथा ही हो गई, कोई रीति रिवाज ही हो गए, जैसे आप तुलसी में जल ढाल रहे हैं, वो चीज ही आ गया, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? संस्कृति के तत्व के अंतर्गत आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है संस्कृति संकुल। ये इनके द्वारा दिया गया है, तो विस्लर महोदय जी के द्वारा दिया गया है। इसमें वे बताते हैं कि संस्कृति तत्व मिलकर संस्कृति संकुल बनाते हैं और इस संस्कृति को सम्मिश्रण भी बनाते हैं। जो छोटी छोटी इकाइयां होती हैं संस्कृति के, वे जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? संस्कृति संकुल बनाते हैं। उसके बाद थर्ड जो आता है संस्कृति समूह। ये क्या है? संस्कृति समूह जो संकुल जब मिलकर तो क्या बनाएगी? तो वो संस्कृति समूह कहलाएगा। यानी संस्कृति की सबसे छोटी इकाई होगी तत्व, तत्वों को मिलकर संकुल बनता है संस्कृति संकुल, और संस्कृति संकुल को मिलाकर क्या बनता है? संस्कृति समूह। ठीक है, और संस्कृति क्षेत्र किसे कहते हैं? तो विश्रम महोदय ने जी कहा है कि जहाँ एक जैसे संस्कृति के लोग पाए जाते हैं और एक तरह के संस्कृति का समूह रहता है, यानी संस्कृति के समूहों का जो एक ग्रुप रहता है वो कहलाता है संस्कृति क्षेत्र। यानी एक ही जगह में एक ही तरह के बहुत सारे संस्कृति समूह पाए जाते हैं उनके बारे में। और संस्कृति प्रतिमान की जो अवधारणा है ये किनके द्वारा दी गई है? तो रूथ बेनेडिक्ट जी के द्वारा दी गई है। वे बताते हैं कि संस्कृति के तौर तरीके संपूर्ण समाज में फैल जाते हैं, सभी इनको क्या करते हैं? अपने अंदर समाहित करते हैं, पैटर्न बना लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है? संस्कृति प्रतिमान कहलाता है। फिर इन्होंने इसको दो प्रकार से बांटा है, आदर्श सांस्कृतिक प्रतिमान और वास्तविक सांस्कृतिक प्रतिमान। वे कौन कौन से हैं? आदर्श, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आदर्श सांस्कृतिक प्रतिमान और सेकेंड उन्होंने जो बात की है वो है वास्तविक सांस्कृतिक प्रतिमान। तो इसमें इसमें क्या आएगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कृति तत्व किनकी अवधारणा है, संस्कृति संकुल किनकी अवधारणा है, संस्कृति क्षेत्र के बारे में किन्होंने बात की है, सांस्कृतिक प्रतिमान किनके द्वारा दिया गया है, तो रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं और इन फ्यूचर पूछे जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। कल की क्लास में हम लोग संस्कृति के विभिन्न रूप
रूपों के संदर्भ में देखेंगे। तो इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।